हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह और आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो फ्रेंड्स ने कमेंट्स दिए हैं, जिनका मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाया हूं। तो मैं चाहूंगा कि जितने मेन कमेंट हैं जो शायद आप सभी के माइंड में भी होंगे, और कैंडिडेट्स क्या सोचते हैं, धरना हुआ है या धरना अभी और मीटिंग होने वाली है, या मतलब जो भी चीज़ें हैं DSSB से जुड़ी हुई, MCD से जुड़ी हुई, तो उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आप भी अपनी राय दें, जिन्हें हम नेक्स्ट टाइम मिलकर जरूर पढ़ेंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट है, प्रीति जी लिखती हैं, मुझे लगता है कि जनवरी तक वेट करना चाहिए, उसके बाद कुछ स्टेप लेना चाहिए। तो ये उसके बारे में है जो मीटिंग अभी की जानी है, MCD जो PRT है, TGT, PGT सभी के रिजल्ट के लिए मीटिंग की जानी है। तो उस पर प्रीति जी का कमेंट आया है कि अभी जनवरी तक वेट किया जाए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिया जाए। तो प्रीति जी, अभी हम कोई ऐसा स्टेप नहीं ले रहे हैं, हालांकि 15 जनवरी तक हम वेट करेंगे, अगर तब तक रिजल्ट नहीं आता है। तो धैर्य जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक हम वेट करेंगे, अगर इसके बाद भी DSSB रिजल्ट नहीं देता तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। और साथियों, ये बहुत जरूरी भी हो गया है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और स्पेशल वाले हैं, उनका तो रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है, उनका तो एग्जाम बहुत पहले हो गया था, इसके बाद PGT है, TGT सभी के रिजल्ट रह रहे हैं, बहुत डिले कर रहे हैं। इसके बाद दीपक कौशिक जी लिखते हैं, ये कौन बेवकूफ है जो इतनी कट ऑफ बना के डाल देते हैं, फेक किसने डाली है। तो साथियों, ये वो कमेंट है जो अभी कट ऑफ के बारे में एक न्यूज चल रही थी कि 110 जनरल की कट ऑफ है, 102 OBC की कट ऑफ है। तो दीपक जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे देश में होशियार लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे इतने होशियार लोग हैं जो अपने आप से ही कट ऑफ बना देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम होता नहीं है, आराम से बैठ के फालतू काम करने बैठ जाते हैं। साथियों, इन चीज़ों पर बिलीव ना करें, और जो भी साथी है सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि DSSB की जो साइट है वो आप लोगों के लिए, आप उस पर ही अपनी जो भी डिटेल है वहाँ पर चेक करें, और हमें भी अगर कोई चीज़ जेन्युइन लगेगी तभी आपको बताएंगे, तो आप इन चीज़ों पे बिलीव ना करें। इसके बाद सोनक वशिष्ठ जी लिखते हैं, 110 है, जनरल हूँ, 13 का था भाई, हो सकता है क्या सिलेक्शन। तो सोनक जी, मैं आपको बता देता हूँ, आपका एग्ज़ाम जो 13 को है, तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन में 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी होते हैं, हालांकि 13 के थोड़े कम हो सकते हैं, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 110 आपके ऑलरेडी हैं, 100 तक भी आते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद नरेंद्र शर्मा जी लिखते हैं, सर मेरे 30 सितंबर में साइको में 38 है, फर्स्ट पार्ट में 62 है, क्या नॉर्मलाइजेशन में साइको वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, ये बताएं सर, नॉर्मलाइजेशन पहले होगा या क्रिटेरिया क्लियर करने के बाद कोई फ़ायदा मिलेगा। तो बता देना चाहता हूँ जी मैं आपको, अभी DSSB की तरफ से कोई ऐसा नोटिस नहीं है, हालांकि कोई भी चीज़ आगे पीछे हो, जहाँ तक है 30 वालों को बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा और मिलना चाहिए, मैं इसके साथ हूँ बिल्कुल, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और आपके जो 38 मार्क्स हैं, मुझे लग रहा है कि ये 40 से प्लस जाएंगे मार्क्स, और 45 तक आपके मार्क्स हो जाएंगे, तो आप टेंशन ना लें। इसके बाद है जी, निशा कश्यप जी लिखते हैं, सर NTT का रिजल्ट कब तक आएगा। तो निशा जी, मैं आपको बता देता हूँ, जो NTT का रिजल्ट है, हालांकि वो आ जाना चाहिए था, क्योंकि एग्ज़ाम PRT से पहले हो गया था, लेकिन अभी भी पता नहीं DSSB के माइंड में क्या चल रहा है, और इसी चीज़ को लेके विजेंद्र गुप्ता जी हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग करें, जो भी साथी रिजल्ट चाहते हैं 15 तक हम देखते हैं, अगर रिजल्ट आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसके बाद एक स्टेप और लिया जाएगा। इसके बाद तो सीमा जी लिखते हैं, धैर्य जी कौन है। तो ये सभी के माइंड में क्वेश्चन होगा। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, जो एग्ज़ाम डेट आई थी उस टाइम से, इवन जो पहले कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम, उसके बाद से ये साथी तब से ही लगे हुए हैं कि एग्ज़ाम हो। अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना संघर्ष किया इन लोगों ने। तो ये वो साथी हैं जो MCD, PRT, TGT, PGT सभी के लिए लड़ते रहे हैं, ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई सॉल्यूशन हो, और अभी भी आप देख पा रहे होंगे इनका एग्ज़ाम 28 वाली शिफ्ट में था, काफ़ी साथी बोल रहे थे कि इनका एग्ज़ाम 13 या 14 को होगा, नहीं,
और आपको पता है कि 30 और 28 वाली शिफ्ट में कितना मतलब कितनी कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन फिर भी ये साथी चाहते हैं कि सभी को फायदा मिले, किसी का नुकसान ना हो, एग्जाम कैंसिल ना हो। तो साथी ये दिल्ली अध्यापक बेरोजगार संघ है, उनसे हैं ये, इनका एक संघ है, ये कुछ साथी हैं और ये हमेशा काम करते रहते हैं। इसके बाद आर के मीना जी का कमेंट आया है, TGT नेचुरल साइंस का रिजल्ट कब तक आएगा? तो आर के जी मैं आपको बता देता हूँ, रिजल्ट आ जाना चाहिए था, TGT के अभी कोई भी रिजल्ट नहीं आए हैं और अभी PGT के भी पेंडिंग में चले हुए हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, हम चाहते हैं बहुत जल्दी आए, लेकिन अभी देखो 15 तक उम्मीद है कि आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो फिर एक स्टेप और लिया जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे, धैर्य जी को और जो भी साथी रिजल्ट के लिए लड़ रहे हैं, आप उनको सहयोग करेंगे। तो साथियों मैं हूँ हरबीर सिंह और आप देख रहे थे आपका अपना स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह। तो साथियों गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।